गर्मियों के आते ही मक्खियां भी जो है पूरी फौज लेके जो है हाजिर हो जाती है। देखिए कितनी सारी मक्खियां हैं जो कि यहाँ पे हैं, और जो है बहुत ज़्यादा मक्खियां हैं, इनको मारो भी तो ये मरती नहीं। और ये देखिए मुर्गा कैसे हमारा जो है वो घूम रहा है, बाहर निकल के आ गया पिंजरे में से। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत तपिश वाली धूप है, तो अब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आप लोग भी पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, और जो है क्या कहते हैं, आज मैंने बनाया था छोलों का सालन, तो दोपहर को हमने छोलों का सालन खाया रोटी के साथ, और ये बहुत ही मज़े का बनाया था। इसकी पूरी रेसिपी मेरी चैनल पे पड़ी है, आप ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए। गाइस ऐसा करते हैं कि हम आम पे शरबत बना लेती हूँ मैं, शरबत से तो अभी हम इसका पानी डालने वाले हैं। मैं पानी दबाऊं? हाँ दबाओ, क्योंकि अभी इसमें बर्फ़ जमी हुई है, अभी हम इसमें पानी डालेंगे तो फिर इसमें बनेगा शरबत। पूरा भर दो पानी, क्योंकि ये बर्फ़ है ना। हाँ, इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी से पिघला लिए। ये कैन, ये कौन सा शरबत है? खोलो ढक्कन, फिर मैं डालूंगा। तो भाई अभी हमारी मदद कर रहा है रूहान, थोड़ी थोड़ी कम डालना, डालो ऐसे पकड़ लेते हैं इसको यहाँ से एक तरफ। ठीक है ऐसे मक्खियाँ नहीं मंगा रहे तुम तो। डालो डालो डालो, शाबाश, बस 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 बस, बहुत ज़्यादा बन गया। अब वो मैं से मिक्स कर कर दोबारा मिक्स करूँ? हाँ अब इसको मिक्स कर लो पहले, तब इसको मिक्स करेंगे। गाइस हम लोग अभी इसको मिक्स करने वाले हैं। इसके अंदर तो बर्फ जमी हुई है, क्योंकि इसमें बर्फ जमी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा। अब इसे गर्म पिघलाना पड़ेगा, चूल्हे पे रखना, चूल्हे पे नहीं रखना, इसको पिघलाएंगे धूप में, तब हम इसको ढक देंगे। अब इसे बंद कर कर इसको ढक देते हैं, अब हम इसको टेबल पे रख देंगे। तो अभी हम इसको रख देंगे इधर, तो हमने इसको इधर रख दिया। और इसको देखे हमारे कबूतर को कैसे ऊपर बैठा हुआ है। हेलो गाइस कैसे हैं आप? देखिए आग लग चुकी है मेरे किचन के अंदर, और इसमें ये आग चल रही है, बाकी चूल्हा जो है ना वो हल्का है, लेकिन यहाँ आग लगी है पूरी, और ये बहुत गर्म हो रहा है तेज़ी से। गाइस यहाँ पे जो है मैंने सारा अपना केक का सामान निकाल के रख दिया, अंडे मेरे ये रहे, बीटे मेरा ये रहा, और ये मेरे सारी चीज़ें हैं, सब मैंने सामान निकाल लिया, अब हम बना लेते हैं केक जल्दी से। तो भाई अब केक की तैयारी कर रही हूँ मैं केक बनाने के लिए, तो अगर आपको भी इस केक की रेसिपी चाहिए, टी केक की रेसिपी, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। शॉर्ट वीडियोज़ में मैंने पूरी रेसिपी डाल दी है, आप पूरी रेसिपी जाके देखिए, ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है और लाजवाब बनती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है वो हमारी खिचड़ी रेडी हो चुकी है, हमारी खिचड़ी बनाई है ये मैंने। ओफ ओफ, चाय का पानी हमारा हो चुका है। तो गाइस हमारा जो ये टी केक है ना ये भी रेडी हो चुका है, मैंने जो है ना उल्टा कर दिया था कि ये ठंडा ठंडा हो जाए मज़ेदार से, तो जो हमारा केक है ये भी तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा केक ये देखिए गाइस। तो गाइस ये मज़ेदार सा हमारा केक तैयार हो गया, हम इसको काटते हैं और देखते हैं कितना मज़ेदार सा है। ये देखिए देखिए गाइस कितना मज़ेदार सा केक है ये, पूरा फ्लफी सा, ये देखिए गाइस कितना फ्लफी है अंदर से, बहुत ही अच्छा केक बना है माशाल्लाह से। और ये केक है हमारा, ये टी केक है माशाल्लाह से हमारा, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा टी केक तैयार हुआ है। तो गाइस अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आई हो, मेरा व्लॉग किंग चैनल पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आप लोग अपनी रेसिपी शेयर कीजिए कि आप लोग टी केक कैसे बनाते हैं और किस तरह से जो है आप लोग के घर में खाया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलूँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।